हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो मंदिर के छत होते हैं वो हमेशा नुकीले ही क्यों होते हैं, हमारे घरों की तरह एकदम फ्लैट क्यों नहीं होते, तो इसके पीछे की वजह क्या है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, मंदिर तो आपने देखे ही होंगे। मंदिरों की छतों पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है और ये आकृति ऊपर की तरफ नुकीली होती है। तो गाइज, क्या ये मंदिर की छत पर कोई एंटीना होता है जो भगवान से हमको कनेक्ट करता है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? तो गाइज, अगर हम धार्मिक दृष्टि से बात करें तो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, अतः मंदिर का शिखर एक बिंदु के रूप में होता है जो ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। और विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अंदर से खोखला इस तरह का पिरामिड बनाने से उस खाली स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार एकत्रित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य इस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थापत्य कला के अनुसार जरूरी नहीं कि सामने भगवान की प्रतिमा हो, लेकिन यदि आपके इष्ट देव की प्रतिमा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानसिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न यह है कि इस तरह की आकृति के कारण सूर्य की किरणें उसे प्रभावित नहीं कर पाती और त्रिकोण के अंदर एवं नीचे वाला हिस्सा बाहर अधिक तापमान होने के बावजूद ठंडा रहता है, क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए भी किया गया था, अतः यात्रियों की थकान जल्दी से दूर हो सके इसलिए भी इस तरह के स्थापत्य कला का उपयोग किया गया। तो गाइस, चलिए देखते हैं इसके और रीज़न। तो मंदिर के शिखर के कारण उसे दूर से पहचाना जा सकता है, क्योंकि नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार की आकृति के कारण कोई भी व्यक्ति प्रतिमा के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मंदिरों का निर्माण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता है जिससे वहाँ पवित्रता, शांति और दिव्यता बनी रहे। मंदिर की छत ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। गुंबद और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, और जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सिर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी वह ऊर्जा प्रवेश करती है। इस ऊर्जा से शक्ति, उत्साह और प्रसन्नता का संचार हमारे अंदर भरा रहता है। तो गाइस, अब तो आपको पता चल ही गया होगा, जो कि मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कि मंदिर की छत जो होती है वह हमेशा नुकीली ही क्यों होती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।